नमस्कार, मैं आंचल आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हेल्थ मीटर में। जैसे कि सब जानते हैं कि शिवरात्रि का दिन 1 मार्च 2022 को आ रहा है। इस दिन भोलेनाथ की विशेष कृपा हम पर होती है। इस दिन की गई पूजा का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। आम दिनों में की गई पूजा का फल 1000 गुना ज़्यादा मिलता है जो कि हम शिवरात्रि के दिन करते हैं, और इस दिन की गई चीज़ों को सिद्ध जो हम करते हैं उसका भी विशेष महत्व होता है। आज जो मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ वो बहुत ही बेहद महत्व उपाय है, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। वो बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। पारद शिवलिंग के बारे में आप सबने सुना होगा कि पारद शिवलिंग होता है। अगर अपनी लाइफ को खुशनुमा बनाना है, सुखमय बनाना है, समृद्धिदायक बनाना है, तो हर रोज़ पारद शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। पारद शिवलिंग का एक बहुत ही अच्छी एक बात है कि अगर उसे घर में रखा जाए और आप रोज़ पूजा ना कर पाएँ तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आम शिवलिंग को हमें स्थापित करना पड़ता है, लेकिन पारद शिवलिंग को हम अपने घर पर रख सकते हैं, और अगर आप रोज़ाना उसकी पूजा ना कर पाएँ तब भी आपको उतना ही फल मिलता है जितनी पूजा करने पर मिलता है। उसको केवल घर में रखने से ही घर के दुख दर्द दूर होते हैं, लेकिन पारद शिवलिंग आम नहीं, सिद्ध किया गया होना चाहिए। पारद शिवलिंग को हम आम व्यक्ति खुद सिद्ध नहीं कर सकते। इसको सिद्ध करवाने के लिए कम से कम 5 ब्राह्मण या 11 या 21 ब्राह्मण पूजा करते हैं। हमारा संस्थान भी इस शिवरात्रि पर शिवलिंग हम सिद्ध करवा रहे हैं। अगर आप लेना चाहें तो मंगवा सकते हैं। अगर आप खुद सिद्ध करवाना चाहते हैं बाहर से तो आप खुद भी करवा सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं उस पारद शिवलिंग को, अगर सिद्ध किया हुआ लेंगे तभी लाभ मिलेगा। अगर आप ऐसे ही नॉर्मली ले आएंगे बाजार से और रख देंगे उसका कोई फायदा नहीं है। शिवलिंग के स्पर्श करने, केवल उन्हें हाथ लगाने मात्र से ही सकारात्मक ऊर्जा का शरीर में प्रवेश होता है और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में बताया गया है कि अन्य शिवलिंग के अपेक्षा पारद शिवलिंग की पूजा करने से 1000 गुना ज़्यादा फल मिलता है। बताया जाता है कि पारद की उत्पत्ति भगवान शिव के अंश से हुई थी, और घर में इसको रखने पर भगवान शिव, माता लक्ष्मी और कुबेर देवता का स्थायी वास होता है। मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि हमारी तरफ से, हमारे संस्थान की तरफ से एक शिवरात्रि पोटली भी सिद्ध की जा रही है। उसमें पारद शिवलिंग होगा, पीली कोडियां होंगी और पारद की गोली होगी। ये बहुत ही अच्छा एक कॉम्बिनेशन है तीनों चीज़ों का, जो कि आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। पारद शिवलिंग से अपार कृपा शिवजी जी की आपकी घर पर रहेगी, और पीली कोडियाँ जो होती हैं माँ लक्ष्मी का प्रतीक होती हैं। माँ लक्ष्मी को बहुत पसंद होती हैं पीली कोडियाँ। अगर किसी को धन प्रति प्रॉब्लम है, धन का लाभ नहीं हो रहा, कर्जा हो रहा है, तो सिद्ध की गई पीली कोडियाँ अगर लॉकर में रखी जाएँ तो बहुत लाभ होता है, और उसमें होगी पारद गोली। पारद धातु ऐसी धातु है कि हाई ब्लड प्रेशर में भी और अस्थमा जैसी बीमारियों में भी लड़ने में मददगार होती है। तो पारद गोली को अगर आप अपने पास रखें या गले में पहने तो उसका आपको बहुत लाभ मिल सकता है। जिन लोगों को बिजनेस में प्रॉब्लम हो रही है, कर्जा हो रहा है, आपका काम अच्छा नहीं चल रहा, या घर में कला कलेश रह रहा है, बीमारी हो रही है, घर में बढ़ती जा रही है, तो ये पोटली उनके लिए बहुत ही काम की चीज़ है। ये सिद्ध की गई पोटली सिर्फ आपको लॉकर में रख देनी है, आपको अपने घर के गले में रख देनी है, और फिर आप उसका कमाल देख सकते हैं किस तरह भोलेनाथ की कृपा आप पर बरसेगी। अगर आप ये नहीं ले पाते तो मैं आपको बोलूँगी कम से कम आप इस शिवरात्रि पर पारद शिवलिंग ज़रूर लें, चाहे वो बाहर से लेके उसको सिद्ध करवाएं, चाहे हमसे मंगवाएं, वो कोई उसमें वो नहीं है। आप पारद शिवलिंग को ज़रूर लें, क्योंकि सिद्ध किया हुआ पारद शिवलिंग अगर आप उसको केवल हाथ ही जोड़ लें या अपने घर पर ही रख लें तो उसकी कृपा बहुत तेज़ी से आप पर आएगी। मैं उम्मीद करूँगी ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे और भी लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी भला हो। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, और बेल बटन को भी दबा लीजिए ताकि नई वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं आंचल फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, गुड बाय।